ચાલો આ ચૂલો ઠારવા છે સાહેબ ભૂમિકા. ઓકે, ચૂલો ઠારવાનો છે. ચૂલો ઠારવાનો છે. બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ચાલુ છે ઓલરેડી. એ તો રહેવાનું છે. मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक इन टू माई अनदर व्लॉग. सुबह के आज तो 11:15 ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉगिंग. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल मम्मी ने ये छठ के दिन रात को ये सब कुछ पूजा वगैरह किया था और कूलर भी बनाई थी. उसके बाद सुबह का जयदीप ने थोड़ा बहुत लिया था. सातम की जो पूजा वगैरह है, सारिका ने दिखाया था. हेजू और शिव आदि तीनों के तीनों यहाँ पे स्वस्तिक बना के बहुत ही अच्छे से सजा दिया है. हमारा जो ये जगह है वो, और यहाँ पे सारिका जी बैठ चुके हैं सब्जी वगैरह काटने के लिए. आई डिड हियर, आई डिड हियर. यू डिड दैट? हां, आंगन को देख के ऐसा लगता है सीधा साधा हमारे घर पे ही है. सही बात है, ऐसा ही लगता है. सही बात है ना, वो बच्चों के लिए आई थिंक माना जाता है, तो बच्चों ने एंजॉय किया. तो बच्चों को पता चला स्वस्तिक किसे बोलते हो, क्या उसका होता है मतलब. हाँ, वो सारिका ने बहुत अच्छे से समझाया. और जितना मुझे पता था इतना ही मुझे भी. हाँ, डीप में नहीं पता है मुझे, जितना पता डीप में वो समझेगे भी नहीं. हाँ, समझ पाए उतना तूने समझा दिया. हाँ. शिव ते बने स्वस्तिक? हाँ. मजा आई भी? हाँ. हाँ, शिव ने भी बनाया स्वस्तिक. और यहाँ पे आधी आधी को 5 मिनट शांति दे, उसको देखो परेशान करना चालू ही रहता है कि कोई शांति से खेले देखे समझे, वो उसे पसंद ही नहीं है. लड़ाई झगड़ा बंद करो, गांधी जी को याद करो. अभी तो फिलहाल मोदी जी को याद करने का टाइम है. अभी मोदी जी बहुत चल रहे हैं. आई गेस आपका इंतजार था. आइए, आपका इंतजार था. सबकी पहला जो बोल ले टाइम है, तुमने क्या ना हमें लोग का याद करता था. हाँ, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया आज आपके गम में. घर मोड़ा थे गया था, घर मोड़ा थे गया था. तो अभी 12 बजे हुए हैं और घर में आई थिंक 50% लोगों की तबीयत खराब है. जैसे कि पहला नंबर है जयदीप का, तो अभी वो सो रहा है ऑलरेडी. और आदि को भी खांसी हो गई है क्योंकि बहुत सारा जूस पीने लग गया था वो बीच में, तो उसकी वजह से. और हम लोगों का थोड़ा जुकाम वाला है, बट इट्स ओके, ऐसा तो चलने वाला है थोड़े दिन के लिए. तो अभी कुकिंग चल रही है लेडीज लोगों के अंदर किचन में. खाना पीना जाना और क्या करना है, वही करना है. आज कहीं पे जाना है शॉपिंग पे? जाते हैं. चलो है मम्मी. हाँ, जाना है शॉपिंग पे कि सभी जगह पे ट्रैफिक हो गया. मैंने और मम्मी ने कभी भी आपको ना बोला है? नहीं, बोल ही नहीं सकता. खाना कम कर देना हम तो टाइम बचेगा. ऐसा टाइम बचेगा, खाली खाना बनाना है तो भी नवरे नहीं पड़ते. नवरे नहीं पड़ते ऐसा है. पापा सुनने के ना था बोलते, मैं हूँ ना. पापा जाते आप दोनों घर पे रहते. हाँ, फोन मत करना. हाँ, आदि चलो ऐसा करते हैं. नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अकेले ही जाऊँ शॉपिंग करने. क्या बोलते हो? ये ओह माय गॉड, मत जाना. ले कौन आने के? अबे मत ले, तू ले या नहीं नॉन मत ले. नहीं, मैं तो अपना मेकअप का सामान लेने जाने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को पता नहीं चलेगा. नहीं तो मेरी कोई बात नहीं. आप मेकअप लेने वहाँ तक जाओगी? हाँ. तो सिर्फ मेकअप तो लेके आऊंगी नहीं, बहुत सारा लेके आऊंगी. वो वापस भी मैं नहीं दूंगी, तो टेंशन मत ले. सब मैं पहन पहन के वीडियो बना बना के तेरे को भेजूंगी.
मम्मी भेजेंगे ही नहीं, मुझे विश्वास है मम्मी आपको अकेले भेजेंगे ही। मेरे साथ लंदन क्यों भेज दिया? नहीं मैं बता रही हूँ, वहाँ तक अकेले भेज दिया, यहाँ अकेला जाना मतलब इन लोगों को ना पसीना छूट जाता, मुझे जाने नहीं देते यहाँ पे। नहीं जाता, क्या है कि दीदी ऐसे ही दौड़ के उड़ के ले आते हैं, इसलिए हमें पसंद आई जाए। तो हमने वहाँ पे सब कुछ डिफरेंट देखा होता है, तो यहाँ पे सब कुछ हमें नया नया लगता है, सब पसंद आ जाता है, इसीलिए मैं और मम्मी बोल रहे हैं। नहीं मैं एक बार है ना आप लोगों को बताए बिना ही चली जाऊंगी, फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैं गई कहां। तो आके फिर आप खरीदी करके आके वैसा वैसा मत बोलना, ये नहीं लेना ना, एक रोमन है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलना, मैं पहनूंगी भी। मम्मी अब आप हमें कुछ नहीं बोलना है, जाओ। सास बहू, सास बहू एक हो गए हैं, अभी हमारा नंबर चला गया। क्या क्या शॉपिंग के बारे में, मेरी चॉइस के बारे में क्या बात कर रहे थे? आपकी चॉइस घूमी अच्छी है, हमेशा बोल नहीं रहे। क्या है कि हम सूरत में रहते हैं तो इधर उधर जाते हैं, तो थोड़ा पता रहता है कि क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के बजट के अंदर लेना होता है। हम थोड़ी पाउंड में कमा रहे हैं। और मुझे जो अच्छा लगे मैं ले लेती हूँ। इन लोगों पाउंड के हिसाब से देखते हो, हम रुपीस के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे भाई की तबीयत पूछते हैं हम, कैसे हो भाई, ठीक हो, बुखार चढ़ गए? हाँ जी दीदी, ताव भी क्यों करें, जाओ जी आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो अभी अभी मैं ऊपर आई टेरेस पे शिव के साथ। हेलो शिव, और बहुत ही ज्यादा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा फास्ट बारिश और बिजली भी कड़क रही है। सब कुछ ठंडा सा हो गया है अभी माहौल। शिव मस्त है वो ना वैसे? हाँ। तो आज ना लेडीज लोगों ने सबने शॉपिंग करने के लिए सब कुछ तैयारियां स्टार्ट की होगी, पर ये बारिश की वजह से आई थिंक सब लोग जा नहीं पाएंगे शॉपिंग पे, ऐसा लग रहा है। स्टार्टअप है तो आज तो कुकिंग तो करनी नहीं है लेडीज को, तो सब लोग हमने सोचा कि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो उसकी वजह से हमने अपना कैंसिल कर दिया, तो ये प्लान स्टार्ट हो गया। तो इतना बढ़िया वाला मौसम हो और हम घर पर है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं और सारिका फिर से निकल गए हैं बाहर शॉपिंग के लिए, और आज तो बहुत ही बढ़िया वाली चीज लेके आए हैं हम घर, आज तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। चलिए दिखा तो देते अभी हैं। जी 6 बजे हुए हैं, बहुत टाइम के बाद फिर से स्टार्ट किया है मैंने वीडियो करने के लिए, और अभी मैं क्या बताने जा रही हूँ, सब लोग की बहुत ही ख्वाहिश है सारिका की हम लोग शॉपिंग नहीं दिखा दे, तो ये मुझे आज मैंने क्या सब कुछ हम दिखा देते हैं तो हमारा सरप्राइज ही नहीं बचता है। जब पहनेंगे फिर देखेगा कौन। हाँ ऐसा रहता है, तो पहनेंगे तब ही। पर ये तो मेरी स्पेशल चीज है, तो मैं तो ये तो दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो अभी क्या है कि दीपिका की दुनिया में चांद बालिया के हस्बैंड ने गिफ्ट दिए, तो दीदी को भी गिरीश जीजू की बहुत याद आ गई और चांद बालिया खरीद ली है। और मम्मी ने खोल के भी नहीं देखी, मम्मी ने ऐसे एक से देख ली। खोल के भी नहीं देखी, बोलो। नहीं कितनी अच्छी है ना, प्यारी सी लग रही है, मस्त है। मुझे एक दूसरी गमी थी, मतलब पसंद आई थी, वो थोड़ा कलरफुल थी, पर मुझे ये पसंद, मुझे चांद बाली भी पसंद, चांद बाली भी पसंद आई है। देखो अच्छी तरह से, बहुत फाइन है, बहुत अच्छी है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कैसी कैसी लगी। हाँ मैं दूसरा भी जो वहां पे देखी थी ना इयररिंग, वो भी रख दूंगी साइड में। हाँ, तो बताना, बताना कि कौन सी अच्छी है। हाँ, तो मैं पहली बार लाइफ में बदलने जाऊंगी, अगर ये अच्छी नहीं लगी और वो अच्छी लगी आप लोगों को तो मुझे बदलना पड़ेगा कल। जो दूसरी वाली है वो मेरी पसंद की थी, ये वाली थी, ये मेरी है, तो मैंने चॉइस दीदी के ऊपर छोड़ दी थी, तो ये वाली ली है। और प्लीज कोई मत ये बताना कि दोनों ही अच्छी थी, एक ही चूज करना है। एक ही बताना प्लीज, और ज्यादा जो कमेंट आएगी वो हम खरीदने जाएंगे। पर मुझे तो ये तो पसंद ही है, अगर आप लोगों को दूसरी भी पसंद आएगी तो मैं वो तो भी मैं खरीद लूंगी, पर मैंने तो वहां पर ही बोला था ना आपको, मम्मी साथ में होगी ना तो नहीं लेने देंगे, हम दोनों गए थे तो ले ली। नहीं कोई बात नहीं, और ये मम्मी की साड़ी भी आ गई है नई नई, फोर स्टिच में दी, मगर लागे हम तो फल चले। और
और मुझे ना बहुत ही ज्यादा शौक है लंबी इयर रिंग्स का, लंबी लंबी जो इयर रिंग्स आती है ना वो ड्रेसेस पे और ट्रेडिशनल कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती है। इसकी लंबी इयर रिंग्स के लिए मोर जैसी डॉग चाहिए जो तो मेरी है ही देखो नहीं मेरी तो अभी दीदी की थोड़ी लंबी है क्योंकि मुंह थोड़ा छोटा है मेरा, मुंह ही इतना बड़ा है। किंजल के मम्मी बोलते थे ना कि उसकी जो गर्दन है ना वो मोरला जैसे पहले लगती थी, मोरला अभी ढेल जैसी हो गई है। नहीं मेरी पहले थी पर अभी ज्यादा ही मोटी हो गई हूँ ना तो ये सब निकल गया है। मुझे लगा कि मैं मोटी हो रही, मेरे कपड़े तो सारे मुझे टाइट हो रहे, वैसे क्यों हो रहा है फिर? मुंह आपका छोटा होता जा रहा है। तो अभी मैं शिवांश आदि और हेजू को लेके आ गई हूँ डांस क्लास, जो हमारे घर के बाहर ही खुला है नया नया, तो सोचा कि उन दो तीनों को लेके जाऊँ, अगर इंटरेस्ट पड़ा तो दो घंटे एक घंटा वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं तीनों। डिनर करने के बाद का कार्यक्रम चल रहा है मामा भांजो में और बेटी में, आवाज अच्छी है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए इसी के साथ अभी भी व्लॉग का एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।